थपकी थपकी प्यार की। हाथ नहीं लगाते तो पकड़ते कैसे? और पकड़ते नहीं तो हम फिर से गिर जाते। अच्छा, इसका मतलब तुमने मेरा सहारा लिया था? हाँ। बिहार एक बात बोलू, तुम इतने बुरे क्यों? एक मिनट, उठो। क्या? अभी हम ये बात ऊपर वाले से पूछ के आते हैं, ठीक है? तुम कहीं जा रहे नहीं। हाय। क्या कर रही हो? ये अपनी नहीं है, अपनी उधर उधर। अच्छा। चलो। अरे ये क्या कर रही हो? पर मुझे इसमें जा। चलो। रुको। तुम्हें पता, जब भी मैं तुम्हें ये देखती हूँ ना, तो मुझे हमेशा रोना आता है। पर मैं आज तुम्हें देखती हूँ तो मुझे हंसी आ रही है। आज तुमने ब्लडी ब्लडी पिया ना, इसलिए ब्लडी खूनी। चलो 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 चलो। लेकिन कहाँ? घर पे। अब क्या हुआ? मुझे नहीं हुआ, तुम्हें हुआ। नशा। अच्छा? तुम बाइक की चाबी नहीं लगा पा रहे हो तो तुम बाइक कैसे चलाओगे? हमको ऐसा वैसा नहीं होता। इधर दो। बी फॉर बिहान पांडे। शराब पी के गाड़ी चलाना कानून अपराध है। मोटर बाइक एक्ट 185 के तहत तुम्हें जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। चलती फिरती कानून की किताब याद नहीं। इलाज बताओ। इलाज? देखा मैं कितनी अच्छी बाइक चलाती हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो? पहली बार ऐसा अजूबा देख रहे हैं। एक टुक-टुक गाड़ी मोटर बाइक चला रही है। देखो तुम जलो मत, मैं इतनी अच्छी बाइक चला रही हूँ ना, इसलिए तुम जल रहे हो। हाँ, बाइक तो तुम बहुत अच्छी चलाते हो, समझो है। No, no, no.
क्या हुआ? बहुत अच्छी गाड़ी चला रही थी ना, फिर गिर कैसे गई? वो शायद स्पीड ब्रेकर आ गया था। देखो नीचे देखो। अखबार में तस्वीर छपी है, इसमें तुम्हारा और मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कल जो फोटो छपेगी उसमें तुम्हारा और मेरा चेहरा एकदम से साफ साफ नजर आएगा। तुम्हारे दिल के मरीज महान पिताजी, वो तो ये देखते बेचारे। तुम्हारी माँ तो विधवा हो जाएगी और तुम बच्चे तो अनाथ हो जाओगे। राम नाम सत्य है। कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास, या तो मुझसे शादी करो या फिर अपनी और अपनों की बर्बादी देखने के लिए तैयार हो जाओ। अदिति दिवाकर मिश्रा। आराम से। चले तुम ना, तुम किसी को बताना मत कि मैंने रे। बाय बाय चले। तुम भी किसी को बताना नहीं। आज मैंने बाइक को धक्का लगाया, वरना बिहान पांडे की इज्जत फिनिश। ठीक है, टॉप सीक्रेट। कोई नहीं, चलो। बिहान, दादी, तुम दोनों इतनी रात को कहां से आ रहे हो? वो दादी अगुटी। तुम दोनों ठीक तो हो ना? तो जाकर अपने कमरे में आराम करो, देर हो गई है ना बहुत। एक बात बताओ, आई लव दादी माँ, तुमने देखा है वो कितनी क्यूट है? जब भी वो हंसती है ना, तो उनके दोनों गालों पे डिंपल पड़ता है। दोनों गालों पे तो हमारे पड़ते हैं, उनके एक ही गाल पे पड़ता है। नहीं, दोनों पे पड़ता है। मैं अभी अभी दिखाती हूँ, रुको। दादी माँ, मलवाखी क्या? सब जाग जाएंगे। तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, मैं अकेले क्यों? तुम भी चलो। हम थोड़ा पानी पी के आते हैं। बाय। गिनना नहीं।
मेरा बंगला सो रहा है, पर वो श्रद्धा की बच्ची, उसकी वजह से ना हमारी पूरी रातों की नींद ही गायब हो गई है। इसलिए तो कह रहे हैं बड़की, वो श्रद्धा की बच्ची ये घर में आए और हमारे सर पे ना नाचे, इससे पहले ना हमको कुछ ना कुछ उसका इलाज जरूर करना पड़ेगा। जैसे कि हमने वो थपकी का किया था, बिल्कुल वैसे ही ना। कैसे हमने उस थपकी को नानी याद दिला दी थी, बिल्कुल वैसे। श्रद्धा को परेशान करना चाहते हैं। हाँ। तो आपको मैं आइडिया तो क्या? क्या 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 कर सकते हो? बोलो बोलो क्या आइडिया है, बोलो जल्दी। आप उसकी छाछ बकरी को पिला दो। जी जीरा पाउडर टंकी के ऊपर लग दो तो वो भी मेरी तरह टंकी में गिर जाएगी। या आप उसका फेवरेट बैग लीज कर दो। मेरे पास लंबी लिस्ट है, बताओ। नहीं नहीं आप लोग घबराओ मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि आप लोग कि आप लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो, ठीक है? चुटकी, इसे तो सब कुछ पता है कि हमने इसके साथ क्या क्या कांड किए हुए हैं, और इसने तो सब सुन भी लिया हमें श्रद्धा के खिलाफ बात करते हुए, और इसने घर में किसी को बता दिया तो हमारे घर नहीं है। पर नहीं बताएगी ना वो, अभी तो वो बोल के गई है कि वो किसी को ना कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन अगर बता दिया तो गदाधारी भीम मतलब बड़ी सासू माँ हमारे सर पे चढ़ के ना तांडव करने लगी, ये तांडव तो मरी जाएंगे। चुटकी ऐसा नहीं होना चाहिए, चुटकी हम तो मरी जाएंगे, सच में हम मर जाएंगे। चुटकी हो क्या गया बिहान पांडे, आज मेरा बहुत ख्याल रख रहे हो। हाँ तुमने मेरे बिना कहे मेरा बिस्तर, हाँ मेरा भी बिस्तर लगा दिया। ताकि तुम चुपचाप बिना शोर के सो जाओ। ओके नाइस। कॉकरोच? हमको कॉकरोच बोला? नहीं तुमको कॉकरोच नहीं बोला। देखो पहले तुमने हमें सहारा दिया, अब हमने तुम्हें सहारा दिया, हिसाब बराबर। जाओ आराम से जाकर सो जाओ। नहीं
मैं तो कहा नहीं सो सकती। तो कहा सोगी? मैं बेड पे आराम से सो जाऊंगी। कमरा हमारा, बेड हमारा, और सोगी तुम। तो फिर अब हम कैसे सोएंगे? बेड एक हम जो बहुत नाइंसाफ लेडी गब्बर, अब ये सोचो कि सोएंगे कैसे। सोचने दो, आइडिया। पता हूँ, पकड़ो। बेड एक है तो क्या हुआ? बेड के दो हिस्से तो हो सकते हैं ना। बेड का वो एरिया तुम्हारा और ये साइड मेरी। तुम ये आइडिया पहले बता देती तो इतने दिन नीचे नहीं सोना पड़ता। अरे बुज्जू, पहले कॉकरोच नहीं देखा था ना? दूर। कितनी अजीब बात है, ये धागा तो जोड़ने का काम करता है और आज यही अलग कर रहा है। अरे ये अंगूठी किसकी है? ये अंगूठी ध्रुव सर ने दी है। क्यों? उन्होंने कहा कि ये हमें एक दूसरे को पहनानी है। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को अंगूठी क्यों पहनाएंगे? हम दोनों तो एक दूसरे से नफरत करते हैं ना। क्योंकि तुम रो रही हो। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मेरा दिल दुखाया। अगर तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करते तो ये अंगूठी हाथ मेरे हाथ पे होती।